इतने सारे मैंने फुटवेयर लिया है, पूरे मेरे हाथ में नहीं आ रहा है, और एक दो है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय गेट अनदर हॉल वीडियो। सो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। सो आज मैं लेके आई हूँ फुटवेयर के हॉल, जो मैंने कुछ मीशो से परचेस किया है, कुछ फ्लिपकार्ट और कुछ अमेजन से बाय किया है, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है और साथ ही बहुत ही कम्फर्टेबल फुटवेयर होने वाला है। मैंने टोटल 10 पेयर्स ऑफ फुटवेयर परचेस किया है। सो जल्दी से देख लेते हैं, उससे पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। So without any further delay, so let's get into the video. So, पहले शुरू करते हैं ये फुटवेयर से। सो मुझे इसी पता पैकेजिंग में मिला है, और लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा तोड़फोड़ दिया है। तो ये रहा ये ब्लैक हील। सो कुछ इस तरह का हील में है ये। सो ये रहा बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये फुटवेयर है, एंड ये ब्लैक मैंने परचेस किया है क्योंकि बहुत सारे आउटफिट के साथ मैं इसको मिसमैच कर सकती हूँ, एंड ब्लैक हील तो आपके पास होना ही चाहिए। सो इस तरह का आपको ये हील मिलेगा, एंड आप पीछे देख सकते हैं बहुत ज्यादा हील नहीं है एंड बहुत कम भी नहीं है, ब्लॉक हील्स में है। एंड इस तरह का आपको बेल्ट में मिलेगा, एंड फ्रंट में आपको इस तरह का साइड में ट्रांसपेरेंट मिलेगा। एंड सो बोट टाइप में इस तरह का सिंथेटिक मटेरियल में ये पूरा ये फुटवेयर है। तो इस तरह का आपको हील में मिलेगा, एंड इसका जो बैक साइड है कुछ इस तरह का है, प्लेन है, और ये बहुत ही कंफर्टेबल है। मैंने इसको पहन के भी ट्रायल में दिखाया है, एंड मैं पर्सनली कुछ इस तरह का हील ही प्रेफर करती हूँ। मैं ज्यादा हील कैरी नहीं कर पाती हूँ, सो ये ब्लॉक हील्स आप आराम से इसको वेयर कर सकते हैं। मेरा जो साइज है 4 साइज में है, लेकिन ये जो फुटवेयर है मुझे साइज में थोड़ा सा छोटा आया है। सो आई थिंक इसका मुझे 1 साइज लार्ज लेना पड़ेगा तो ही मुझे ठीक से आएगा। तो अदरवाइज ये पूरा जो हील्स है बहुत ही कंफर्टेबल है, एंड दिखने में बहुत ही प्रिटी है, क्यूट सा है। मुझे फ्रंट का पार्ट इसका बहुत अच्छा लगा, और बेल्ट भी है पीछे। सो ये, और ये जो फ्रंट का है ये इलास्टिक है, कपड़े का है। सो पहनने में इतना दिक्कत है, जो प्राइस है बहुत रिजनेबल प्राइस में है, आप लोग गैस कर सकते हैं। सो मैं ही बताती हूँ, जो कि है 300 रुपीज, तो आपको और भी डिस्काउंट में मिल जाएगा अगर आप यूपीआई पेमेंट वगैरह करते हैं। सो और प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा आया है, एंड पता नहीं ये कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा, बट होना तो चाहिए लॉन्ग लास्टिंग क्योंकि इसका मटेरियल काफी मतलब अच्छा है ये। सो अगर आपको पसंद आता है इसको आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। और हाँ, इन सभी फुटवेयर का प्राइस आपको साथ ही साथ स्क्रीन पे शो, इन सभी फुटवेयर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो कुछ भी बाय करना तो वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सो या दिस इज द फर्स्ट वन, सो लेट्स मूव इन टू नेक्स्ट। सो नेक्स्ट जो हील्स है वो है, और मुझे इसी तरह का पैकेजिंग में मिला है, तो मैंने पहले ही ओपन करके देख लिया था क्योंकि बहुत सारे ऐसा है कि दूसरा प्रोडक्ट आ जाए या फिर कुछ चीजों में इशू रहता है, तो मैंने इसको चेक कर लिया था पहले ही। सो नेक्स्ट जो फुटवेयर है वो है बेज कलर में हील्स। सो कुछ इस तरह का आपको हील्स मिलेगा बेज कलर में, एंड ये कलर भी बहुत सारे आउटफिट के साथ चल जाता है, एंड बहुत ही स्टैंडर्ड कलर है ये। एंड इस तरह का आपको फुटवेयर मिल रहा है, ब्लॉक हील है इसका। सो इस तरह का आपको ब्लॉक हील्स में मिल जाएगा, एंड लेंथ इसका मीडियम लेंथ है ब्लॉक हील का। सो फ्रंट, एंड फ्रंट आपको इस तरह का प्लेन में मिलेगा, कुछ डिजाइन कुछ स्टोन वगैरह नहीं है, प्लेन है, एंड आप देख सकते हैं इसका फ्रंट इस तरह का स्क्वायर शेप में है। सो इसका जो मटेरियल है फुटवेयर का ये लेदर में है, प्योर लेदर तो नहीं है लेकिन मिक्स लेदर है, एंड अच्छी खासी इसका जो मटेरियल है, एंड ऊपर का जो आप फ्रंट है इसका बहुत ही सॉफ्ट है, एंड इसका पूरा जो अंदर है बेज कलर में है। इसका बैक साइड आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन है, कुछ जिगजाग कुछ इस तरह का नहीं है, प्लेन है। मैंने साइज 4 बाय किया है, लेकिन ये भी मुझे थोड़ा सा छोटा आ रहा है। एंड इसका जो प्राइस है 200 समथिंग, जो प्राइस के अकॉर्डिंग बिल्कुल वर्थ इट है। दिखने में काफी सिंपल है लेकिन वेयर करने में उतना ही कंफर्टेबल है। तो इस फुटवेयर को आप रेगुलर ऑफिस के लिए भी इसको पहन सकते हैं। इसमें मैंने 4 साइज बाय किया है, लेकिन इसके पीछे 7 नंबर दिया हुआ है, सो आई डोंट थिंक ये 7 नंबर है। लेकिन इस फुटवेयर में आपको और भी 2 और 3 कलर अवेलेबल हो जाएंगे, तो वो भी चाहे तो आप ले सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से। एंड सो दिस इज द सेकेंड वन, सो लेट्स मूव इन टू द नेक्स्ट। ये रहा बेलीज। सो इसका जो हाइट है आप देख सकते हैं फ्लैट में कुछ इस तरह का हाइट में मिल जाएगा। सो बहुत ही प्यारा सा ये बेलीज है, इसका बहुत प्राइस जो है बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है, जो मैं आगे बताऊंगी। इसमें आपको जो ऊपर का पार्ट है आपको सिंथेटिक लेदर मटेरियल में मिल जाएगा, जो बहुत ही कंफर्टेबल होने वाला है, और इसमें आपको ब्लैक में मिल जाएगा ऊपर का जो इस तरह का डिजाइन दिया हुआ है, एंड इसका आप शाइन देख सकते हैं फ्रंट में कुछ इस तरह का कोन शेप में दिया हुआ है। सो बहुत ही प्यारा सा ये बेलीज है, एंड बेलीज को आप किसी भी वेस्टर्न ड्रेस के साथ इसको वेयर कर सकते हैं, साथ ही एथनिक आउटफिट्स के साथ भी इसको मिस एंड मैच कर सकते हैं। सो
एंड सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसका फ्लैट में जो हाइट दिया हुआ है मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। मुझे इस तरह का जो बैगीज होता है ना मुझे बहुत पसंद है। मैं ज्यादा पेंसिल हील पहनना पसंद नहीं करती हूँ, मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कंफर्टेबल फुटवेयर पहना करूँ ताकि मैं आराम से चल सकूँ। इसका जो पीछे का साइड है यानी बैक साइड इस तरह का डिजाइन में दिया हुआ है ब्लैक में एंड फ्रंट है कुछ इस तरह एंड अंदर का जो पार्ट है वो स्टिच किया हुआ है। सो ये निकलेगा नहीं क्योंकि बहुत सारे जो बैलीस होता है या फिर कुछ फुटवेयर होता है जो अंदर का जो कुशन है वो निकल के आ जाता है, लेकिन ये पूरा स्टिच किया हुआ है। सो बहुत ही अच्छा ये बैलीस है, दिखने में भी प्रिटी है एंड बहुत ही कंफर्टेबल है साथ ही। एंड इसमें मैंने 4 साइज बाय किया है जो मुझे आराम से हो गया है। तो इसका जो प्राइस है 200 समथिंग के अप्रॉक्स, मुझे ठीक से याद नहीं रहता है, सो आप चेक कर लेना। आपको लग रहा होगा कि प्राइस तो इतना ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, तो उसके हिसाब से मटेरियल उतना अच्छा नहीं आएगा। सो ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही अच्छा है प्राइस के हिसाब से, टोटली वर्थ इट। सो इस बैलीज में आपको और भी 5 कलर अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो या सो चलते हैं नेक्स्ट वाले में। ये ग्रीन कलर का फुटवेयर बहुत ही प्यारा सा, ये बो स्टाइल में ये फुटवेयर है, यानी कि इसका आप डिजाइन देख सकते हैं फ्रंट में बो लाइक इस तरह का डिजाइन में है। एंड इसका जो मटेरियल है फुटवेयर का ये सिंथेटिक मटेरियल में है, बहुत ही सॉफ्ट है, मिक्स लेदर में है, प्योर लेदर तो नहीं है, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। सो फ्रंट में आपको इस तरह का ग्रीन कलर में मिल जाएगा एंड इस तरह का आपको व्हाइट में मिलेगा, लेकिन ये है, लेकिन यहाँ का जो व्हाइट आपको दिख रहा है सो दिखने में ये बहुत गंदा लग रहा है, लाइक ऐसा लग रहा है कि यूज मटेरियल मुझे भेज दिया है उन लोगों ने। सो मुझे इसीलिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिला है, अदरवाइज ये दिखने में बहुत ही सोबर सा ये लुक देता है। इस तरह का आपको हाइट में मिलेगा हील एंड इसका बैक साइड देख सकता है शाइन है एंड इस तरह का प्लेन में है। आई डोंट नो फिसलेगा कि नहीं एंड कितना दिन तक ये लॉन्ग लास्टिंग देगा, मैंने यूज नहीं किया इस, सो लेट्स सी कितना दिन तक ये चलता है। एंड क्वालिटी भी ठीक ठाक है, उतना ज्यादा बेकार भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, मीडियम क्वालिटी में है। अगर मैं इसकी रेटिंग की बात करूँ तो रेटिंग मैं दूंगी 7 out of 10। सो ये फुटवेयर रेगुलर ऑफिस वर्क वालों के लिए बिल्कुल सही है एंड इसका जो प्राइस है 250 के अराउंड। सो एंड इसमें मैंने 4 साइज ऑर्डर किया है और ये भी मुझे थोड़ा सा छोटा आ रहा है। सो कोई ना, मैं इसको एक्सचेंज करवा लूंगी, नहीं तो रिटर्न भी कर सकती हूँ, देखती हूँ आगे। अगर आपको पसंद आता है तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी। हाँ, इस हिस्से में आपको और भी 2 कलर अवेलेबल हो जाएंगे, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले। जो मैं फुटवेयर दिखाने वाली हूँ ये वन ऑफ माई फेवरेट हील है इस वीडियो का एंड आई एम श्योर आपको भी ये हील पसंद जरूर आएगी। सो टेंटेना बहुत ही प्यारा सा गॉर्जियस सा ये फुटवेयर है, ये आप देख सकते हैं स्टोन लगा हुआ है, एम्बरिस पैटर्न में है एंड आपको बेस सिल्वर कलर में मिल जाएगा इसका जो सोल है। एंड ये रहा इसका जो हील ब्लॉक है ना, बहुत प्यारा सा दिया हुआ है, ये व्हाइट कलर में कुछ इस तरह का ट्रांसपेरेंट है एंड यहाँ पे भी ट्रांसपेरेंट दिया हुआ है। सो बहुत ही प्यारा सा ये हील है। सो इस फुटवेयर को आप किसी भी पार्टी में वेस्टर्न एज वेल एज एथनिक आउटफिट के साथ भी इसको आप कैरी कर सकते हैं। ये बहुत बहुत ही पसंद आया है और इस बहुत दिखने में प्रिटी है इस तरह का जो हील्स होते हैं एंड सबसे अच्छी बात इस हील में आपको कंफर्ट मिलेगा। ये साइज 4 बाय किया है जो मुझे परफेक्टली फिट आया है। सो हील के पीछे आपको दिख रहा होगा कि ब्लैक क्योंकि मैंने इसको सारा दिन घर पे वेयर किया है सो ताकि मैं देख सकूं ये कितना कंफर्टेबल है। सो ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही कंफर्टेबल है। सो इसका जो प्राइस है ये थोड़ा सा हाई है जितना भी मैंने अब तक मीशो का प्रोडक्ट दिखाया है। का जो प्राइस है 500 समथिंग, सो थोड़ा सा प्राइस ज्यादा है, लेकिन प्राइस के हिसाब से टोटली वर्थ इट है। सो मैं आपको डेफिनेटली हाईली 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 सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको पसंद आते हैं तो झट से आप बाय कर लेना इसको, क्योंकि सच में ये दिखने में जितनी प्रिटी है उतना ही ये कंफर्टेबल भी है पहनने में। सो ये रहा, और इसमें आपको 2 और भी कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे, सो वो भी आप चाहे तो बाय कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। सो चलते हैं नेक्स्ट वाले जो है इस तरह का आपको फुटवेयर ब्लैक कलर में स्ट्रिप्स मिल जाएगा जो आप राउंड राउंड करके पहन सकते हैं। पता नहीं इसको कौन सा, कोई आइडिया नहीं है कि इस तरह का हील्स को क्या कहते हैं या फिर कुछ नेम वगैरह है क्या। सो अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है। सो इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। सो इस तरह का आपको फुटवेयर मिलेगा ब्लैक कलर में एंड इस तरह का स्ट्रिप्स है ब्लैक कलर में एंड ये सिंथेटिक मटेरियल में है इसका जो सोल है एंड इसका ब्लॉक हील आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में है। नीचे इस तरह का बैक साइड में प्लेन मिल जाएगा, सिंपल है दिखने में लेकिन ये बहुत ही कंफर्ट भी है साथ ही। सो अगर आपको इस तरह का फुटवेयर पसंद है तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एंड इस फुटवेयर के जो प्राइस है बहुत ही रीजनेबल है 262 के अराउंड। सो आपको 200 समथिंग में मिल जाएगा, है प्राइस के अकॉर्डिंग टोटली वर्थ इट। सो भी मैंने साइज 4 बाय किया है,
सो अगर आप शॉर्ट ड्रेसेस या फिर वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं सो इस तरह का हील आप जरूर से ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है ये पहन के बाद। और एनीवे ये ब्लैक हील्स है सो बहुत सारे कलर के आउटफिट के साथ ये आराम से आप कैरी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वाली में। और हाँ, मैंने अब तक जो दिखाया आपको फुटवेयर के सारे मैंने मीशो से बाय। सो नेक्स्ट जो फुटवेयर है ये मैंने अमेजन से बाय किया है जो कि है शूज। जो मेरा फर्स्ट कंफर्ट फुटवेयर है वो है शूज, जो मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगता है पहनने में। एंड मैं ज्यादातर स्नीकर्स शूज ही कैरी करती हूँ। मेरा व्हाइट शूज, सो व्हाइट शूज तो आपके पास होना ही चाहिए क्योंकि बहुत सारे जीन्स एज वेल एज ड्रेस के साथ भी व्हाइट कलर का शूज आप कैरी कर सकते हैं। सो इट में एंड इसका हाइट आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। एंड सामने आपको लेस मिल जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट कलर में आपको लेस मिल रहा है। अंदर का जो सोल है ये आपको इस तरह का मिलेगा। सो बहुत सारे शूज या फिर फुटवेयर में अंदर का जो सोल है वो स्टिच किया हुआ है लेकिन इसका नहीं है। मैंने 4 साइज बाय किया है जो मुझे परफेक्टली फिट आया है। एंड आप इसका लुक देख सकते हैं, स्पेशली इसका जो हाइट आप देख सकते हैं इस तरह का आपको हाइट में मिलेगा। इसका अगर बैक की बात करो सो बैक आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको मिल जाएगा। बहुत ही कंफर्टेबल शूज है, दिखने में भी बहुत ही प्रिटी है। इसका जो प्राइस है 500 में पड़ा, सो वो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है। सो प्राइस के हिसाब से टोटली वर्थ इट। मैं आपको हाईली हाईली सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास व्हाइट शूज नहीं है या फिर व्हाइट शूज ढूंढ रहे तो इसको आप जरूर से ट्राई कर सकते हैं। और ये शूज का जो ब्रांड है शूटोपिया इस ब्रांड का है। सो इस ब्रांड का जो शूज होते हैं वो अच्छे खासे होते हैं, सो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं अगर आपको पसंद आते हैं तो। सो या सो चलते हैं नेक्स्ट। अभी मैं जो फुटवेयर आपको दिखाने वाली हूँ या फिर आगे जो दिखाऊंगी ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है। सो नेक्स्ट जो फुटवेयर है वो है ये, बहुत ही प्रिटी सा कलर है एंड इसका आप डिजाइन देख सकते हैं, बहुत ही क्यूट सा ये फुटवेयर है एंड ऑलिव ग्रीन कलर में है। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा, आप इसको डेली वेयर के लिए आराम से कैरी कर सकते हैं। एंड इसमें मैंने 4 साइज बाय किया है जो मुझे परफेक्टली फिट आया है। एंड ये जो फुटवेयर है ये फ्रॉम द ब्रांड लाइसा का है। सो क्वालिटी भी अच्छी खासी है, दिखने में भी प्रिटी है। आप बैक साइड इसका देख सकते हैं, इसका डिजाइन देख सकते हैं बैक साइड में, इस तरह का पैटर्न में दिया हुआ है एंड अंदर का भी आप देख सकते हैं लुक। तो ये फ्लिप फ्लॉप फुटवेयर है जो इसका हाइट आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। यहाँ पे बेल्ट भी दिया हुआ है। जो फुटवेयर है बहुत ही सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल होने वाला है। इस फुटवेयर का जो प्राइस है 434 के अप्रॉक्स, सो प्राइस के अकॉर्डिंग टोटली वर्थ इट। बहुत सुंदर है दिखने में एंड लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। मैं आपको डेफिनेट रिकमेंड करूंगी कि अगर आप रेगुलर यूज के लिए कुछ इस तरह का फ्लिप फ्लॉप फुटवेयर देख रहे हैं तो इसको आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। इसमें भी आपको कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, तो ये पसंद नहीं है तो दूसरा कलर भी आप ट्राई कर सकते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट। जो फुटवेयर है ये रहा, बेज कलर में फ्लैट्स है ये। सो बहुत ही सुंदर एंड प्रीमियम क्वालिटी का ये फ्लैट्स है एंड ये फ्रॉम द ब्रांड बेलाटोस का है एंड इसका जो प्राइस है 500 के ऊपर है। सो मुझे ठीक से याद नहीं तो इसका मैं लिंक दे दूंगी तो आप चेक कर लेना। सो इस तरह का आपको फ्लैट्स मिल जाएंगे और इस फुटवेयर को आप किसी भी वेस्टर्न एज वेल एज एथनिक आउटफिट के साथ भी इसको पहन सकते हैं। सो वैसे भी ये बेज कलर में है, सो बहुत ही सुंदर एंड क्लासी सा लुक देता है। एंड इसका आप फ्रंट देख सकते हैं कुछ इस तरह का फ्रंट में डिजाइन दिया हुआ है एंड बैक इसका इस तरह का दिया हुआ है, हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसका आप देखिए हाइट ज्यादा नहीं है एंड बैक साइड कुछ इस तरह है। मैंने इसको एक दो बार वेयर कर लिया है सो आपको पीछे से थोड़ा सा गंदा लग रहा होगा। सो बहुत ही कंफर्ट है एंड लॉन्ग लास्टिंग होने वाली है। आप इसको अगर सारा दिन भी वेयर करते हैं आपको पैरों में कोई पेन वगैरह नहीं होगा। एंड जिन लोगों को हील्स पहनना पसंद नहीं होते हैं, ब्लॉक हील्स, पेंसिल हील्स, सो आप इस तरह का फुटवेयर को जरूर से ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको और भी एक दो कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे तो चाहे तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। सो प्राइस के हिसाब से टोटली वर्थ इट, लुक वाइज क्वालिटी में जबरदस्त है। सो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको पसंद आते हैं तो आप झट से बाय कर लेना और फट से पहन लेना। तो इसमें भी मैंने साइज 4 बाय किया है जो मुझे परफेक्टली फिट आया है। सो चलते हैं नेक्स्ट वाले में, बट नॉट अ दिस। सो जो है ये लोफर्स मैंने फर्स्ट टाइम बाय किया है और मैंने एक बार पहना भी है इसको और मुझे बहुत सुंदर एंड कम्फर्ट लगा पहनने में। सो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इसका लुक। सो इस तरह का आपको डिजाइन मिल जाएगा, गोल्डन कलर में डिजाइन है एंड बेस है व्हाइट कलर में है एंड फ्रंट में आपको इस तरह का गोल्डन में डिजाइन मिल जाएगा। नीचे का कलर बेज है एंड इस तरह का आपको हाइट में मिलेगा एंड अंदर का जो सोल है बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट एंड ये फ्रॉम द ब्रांड शोटोपिया का है। तो इस फुटवेयर का जो बैक है कुछ इस तरह का है। फुटवेयर को मैंने शॉपिंग मॉल में पहन के गई थी और पहनने के बाद ये स्लिप हो रहा था, तो आप ध्यान से इसको कैरी करना।
अदरवाइज ये पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है एंड दिखने में भी उतना ही प्रिटी एंड स्टाइलिश क्लासी लुक देता है। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा लोफर्स, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है लगा। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया इस तरह का लोफर्स तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप जरूर एक बार ट्राई करें, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चलता है ये लोफर्स। इसका जो प्राइस है 600 समथिंग, सो प्राइस के हिसाब से बिल्कुल वर्थ इट है। सो लुक वाइज क्वालिटी वाइज में नो कम्प्रोमाइज, प्रीमियम क्वालिटी में है ये। अगर मैं इसकी रेटिंग की बात करूँ तो 10/10। तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको पसंद आते हैं डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस वेयर को, आप किसी भी वेस्टर्न ड्रेस के साथ पहन सकते हैं। सो इस फुटवेयर में आपको और भी एक दो कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे, तो वो भी आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। सो इसमें मैंने साइज 4 बाय किया है जो मुझे परफेक्टली फिट आया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो आपको इनमें से कौन सा फुटवेयर अच्छा लगा और कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। टिल देन बाय बाय।